ठीक है, नोकिया का 6.2 है। अब इसमें सिम नहीं है, जैसे सिम लगाओगे तो वैसे ही आपको सर्विस स्टेटस में दिख जाएगा। दूसरा मेथड क्या रहेगा चेक करने का कि भाई रेडियो ऑफ है, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लो। हाँ, फ्लाइट मोड लिखा आएगा कि फ्लाइट मोड टर्न ऑफ, फ्लाइट मोड कुछ ऐसा लिखा आएगा। 1-9-8 पे कॉल किया था ना तभी आया। नहीं, इंडिया में ये है इमरजेंसी नंबर। यहीं आ जाएगा, कोई इशू नहीं, इधर ही आ जाएगा। आ जाता है, लिखा आएगा टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड बिफोर मेकिंग कॉल समथिंग, कुछ ऐसा लिखा आएगा। हाँ हाँ, सिम नहीं है इसीलिए तो इमरजेंसी नंबर पे क्लिक कर रहे हैं। सर वो आ गया, देखो आ गया ना, टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड बिफोर मेकिंग कॉल, मतलब रेडियो ऑफ है। ठीक है, हमने तो कोई फ्लाइट मोड इसमें लगाया ही नहीं, समझ गए। तो ये आपका दूसरा मेथड रहेगा फ्लाइट मोड चेक करने का। यार भाई मुझे बैठ, तो फ्लाइट मोड जहाँ एरोप्लेन मोड आपको पता ही है क्यों आता है, रेडियो ऑफ, RFFE क्लॉक डाटा या फिर VIO 1.8 वाला। मेनली आपका ये फ्रंट एंड मॉड्यूल हो गया, ये आपका SDR हो गया। ठीक है, SDR की वजह से तो खैर आपको नो सर्विस, सॉरी बेसमेंट अननोन मिलेगा, WTR वाले में रेडियो ऑफ हो जाता है। और ये आपका हो गया PA। तो अगर डायग्राम ना भी हो तो आपको आजू बाजू में ही दो ट्रैक मिल जाएंगे, RFFE क्लॉक डाटा प्लस थर्ड जो है आपका मोस्टली मिलेगा आपको 1.8 वाला। ठीक है, तो ये बड़े वाला कैप जो होता है वो मोस्टली BPH पे लगा होता है, BPH के साथ में। ठीक है, ये आपका ओके, यहाँ आपको रीडिंग कम मिल रही है, आपको 909 दिख रहा है लेकिन आपके मीटर में ये 90 ही मिलेगा आपको। और ये कंफर्म करने के लिए कि लाइन शॉर्ट है, आप फिर फॉरवर्ड बायस में चेक करो, देखो दोनों तरफ सेम रीडिंग आ रही है या आपकी लाइन शॉर्ट है। उम्मीद है 1.8 वाली लाइन हो सकती है ये। ठीक है, 372 कुछ और 300, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके क्लॉक डाटा में आता है, तो ये बगल वाली लाइन आपकी हो गई फिर 1.8। कंफर्म करने के लिए उसमें भी चेक कर लीजिए, 1.8 मोस्टली सेम ही होता है सारे आईसी का। इसमें देखो एक तरफ बड़ा कैप दिख रहा है, ठीक है, जहां बीपीए रहेगा एपीटी का, तो जहां बीपीएच होगा, अगर वो बीपीएच है तो ये नीचे वाला एपीटी होगा, अगर वो एपीटी है सॉरी बीपीएच है तो ये नीचे वाला एपीटी है। ठीक है, तो ये बड़े दो कैप की निशानी हो गई। देखो तीसरा आपका 1.8 वाला, ये आपके वही RFFE क्लॉक डाटा हो गए। तो हमारे केस में RFFE क्लॉक डाटा में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 1.8 में। तो 1.8 आप क्लियर करोगे तो पुल अप मिल जाएगा क्लॉक डाटा को और फोन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, थर्मल से चेक कर लेते हैं, 1.8 देंगे यहां से। एक बार मिडल में लगा के देख लेते हैं, मे बी वैसे ही कुछ गर्म होता दिखाई दे जाए।
नहीं तो फिर इंजेक्ट करके देख लेंगे। ये आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल पहले से ही गर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बीपीएच से ही गर्म होना चालू हो गया था ये। ठीक है, एक बार डीसी सप्लाई से भी वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लेते हैं क्या गर्म होता है दूसरी तरफ। देखो 4 एम्पीयर सेट किए मैंने, 4 एम्पीयर डिलीवर हो रहे हैं ना। ओके तकरीबन आधा एम्पीयर कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इस तरफ कुछ हीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब इस तरफ शॉर्टिंग नहीं है। यही आईसी खराब है आपको, ये आईसी बदलना पड़ेगा, समझ गए। ये सेम ही लगेगा, इसकी जगह दूसरा भी नहीं लगेगा। फ्रंट एंड मॉड्यूल खराब, देखो फ्रंट एंड मॉड्यूल ही बीपीएच से भी गर्म हो रहा था। ये देखो, देख लो ये तो मुश्किल लग देखो जैसे ही बैटरी लगाऊंगा ना तुरंत गर्म होना चालू हो, समझ रहे। ये खराब है, मीटर का रीडिंग तो ठीक हो जाएगा लेकिन रेडियो तो ऑफ ही रहेगा ना, क्योंकि एक आरएफएफई पे स्लेव गायब हो गया। शांति रखो एक मिनट, देखो कंपनी सेम है। ठीक है, एक बार लगा के देख लेते हैं, अगर तो स्लेब एड्रेस सेम हुआ फिर तो जाएगा चल, अगर स्लेब एड्रेस सेम ना हुआ क्योंकि नंबर सेम नहीं है तो फिर रेडियो ऑफ रहेगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं तो सेम नंबर तो फिर लगेगा ही, वो तो पता ही है। जी